नमस्कार, आप देख रहे हैं मानासा क्षेत्र का प्रथम डिजिटल न्यूज चैनल MP7 न्यूज। देखिए आज की विशेष खबर। ग्वालियर कुंजी विहार कॉलोनी में मेडिकल की दुकान पर रविवार की रात को दवा लेने के लिए आए रामराज सिंह राजावत ने पैर की उंगली में आसमान से टपकी गोली लग गई। तेज दर्द के साथ उंगली से खून निकलने लगा। पैर के पास में ही चली हुई गोली का खोखा पड़ा था। पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। घोड़ा का मंदिर थाना पुलिस ने घायल की रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस को आशंका है कि घटनास्थल के आसपास ही किसी ने हथियार टेस्ट करने के लिए हवा में गोली चलाई है। शताब्दीपुरम में निवास करने वाले रामराज उम्र 34 वर्ष पुत्र उदयपाल सिंह राजावत रात में कुंजी विहार कॉलोनी के पास स्थित मेडिकल की दुकान पर दवा खरीदने के लिए आए थे। युवक ने मेडिकल की दुकान के पास ही बेफिक्र होकर खड़ा था। अचानक उसके पैर के पंजे में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने पैर की तरफ देखा तो उसकी उंगली में से खून निकल रहा था। पैर के पास ही चली गोली का खोखा पड़ा था। रामराज ने इधर उधर देखा, उसे कोई नज़र नहीं आया। मौके पर मौजूद लोगों ने अज्ञात व्यक्ति द्वारा युवक को गोली मारने की सूचना दी। पुलिस ने मौके से चला हुआ खोखा बरामद कर युवक को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया। हथियार टेस्ट करने के लिए चलाई गई गोली। शहर में कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। शादी समारोह के साथ हर तरफ के आयोजन पर प्रशासन ने रोक लगा रखी है। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि घटनास्थल के आसपास ही किसी ने हथियार टेस्ट करने के लिए गोली चलाई है। भोला का मंदिर थाना पुलिस ने गोली चलाने वाले अज्ञात व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। प्रज्ञा ब्यूटी पार्लर एंड जनरल स्टोर। हमारी सेवाएं जनरल आइटम ब्लीच, फेशियल, थ्रेडिंग व मसाज कार्य व दुल्हन ज्वेलरी किराए से उपलब्ध है। एक बार आपके अपने संस्थान पर अवश्य पधारें। हमारे संपर्क नंबर 9131549575 9713183473। आत्री माता, तहसील मनासा, जिला नीमच, मध्य प्रदेश। प्रज्ञा ब्यूटी पार्लर एंड जनरल स्टोर।